हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेश भोग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल की रोटी, जो कि दक्षिणी भारत में काफ़ी फेमस है। इसे दक्षिणी भारत में खूब खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप चावल का आटा लिया है। तो हमने इस तरह से छलनी के ऊपर चावल का आटा डाल दिया है, और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच गेहूँ का आटा भी लिया है, और इसे हम छान लेंगे। गेहूं का आटा हमने इसलिए डाला है, रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी इससे। तो हमने सारे आटे को छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली है, हरा धनिया, और अब हम इसमें डालेंगे सोया की पत्तियां, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 2 बड़े साइज के प्याज जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच जीरा। अब हम इसे चम्मच से मिला लेंगे। तो हमने इसे चम्मच से अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हम गरम लेंगे, और पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आटा लगाते वक्त हमें ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, पानी हमें गर्म ही लेना है। ठंडे पानी से रोटियां टूटने लग जाएगी और अच्छे से नहीं बन पाएगी। पानी हम एक साथ में नहीं डाल रहे हैं, पानी हम ज़रूरत के हिसाब से डाल रहे हैं। जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी ले रहे हैं। हमें आटे को ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है। हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। तो हमने चम्मच से मिला लिया है। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि चम्मच से आटा अच्छे से नहीं लग पाएगा, हाथों से ही हमें फाइनली इसे लगाना पड़ेगा। तो हम आटे को अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स करके इस तरह से करीबन 10-15 मिनट तक इसे रेस्ट पे रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुकी है, अब हम रोटी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक लिया है, तो मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लिया है, जो कि हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो इस पे हम एक एक गोले बना लेंगे इस तरह से, और इस तरह से दबाते हुए हम कवर को ऊपर कर देंगे, और बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। हमें बेलते हुए ध्यान रखना है, ज़्यादा इस पे दबाव नहीं लगाना है, हमें सॉफ्टली बेलना है इसे। तो देखिए कितने आराम से बिल रही है। तो रोटी हमारी बन चुकी है, देखिए। तो हमने रोटी का आकार दे दिया है, और अब हम इसे तवे पे रख देंगे। तो तवा मैंने गरम कर रखा है, और रोटी को मैंने तवे पे डाल दिया है। तो रोटी को हम परांठे की तरह सेक लेंगे। रोटी को उलटते पलटते हम घी लगा के सेक लेंगे। तो मैंने रोटी को पलट दिया है, और इस पे मैंने घी लगा दिया है। आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हो, और उलटते पलटते हमें 2-3 बार इसे इस तरह से दबाते हुए सेक लेना है। तो ये देखिए, रोटी हमारी अच्छे से बन चुकी है, बहुत ही अच्छी रोटी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर बनाइए, और आप अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे अगले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।